करनाल के काछवा पुल पर चल रहे मरम्मत का कार्य धान के सीजन तक बंद रहेगा। आपको बता दें कि करनाल उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने काछवा पुल पर चल रहे मरम्मत के कार्य को धान के सीजन तक बंद करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को इस रास्ते से धान लाने में कोई दिक्कत ना हो। बता दें कि कुछ दिनों पहले काछवा पुल का मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया था, जिससे आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही थी। किसानों ने भी उपायुक्त से इस रास्ते को सीजन तक खोलने के लिए कहा था। इसके लिए उपायुक्त ने आमजन की सुविधा के लिए सीजन तक इस रास्ते को खोलने का निर्णय लिया है, ताकि आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। वहीं उपायुक्त ने जनहित में धान की खरीद को लेकर किसानों से अपील की है कि वे अपनी धान को MSP रेट से कम ना बेचे। उन्होंने कहा कि जिले में 13 स्थानों पर धान की खरीद की जा रही है। जिला प्रशासन के पास यातायात सहित खरीद की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, स्टाफ भी पूरा है, धान परचेस में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि हरियाणा सरकार द्वारा धान खरीद के लिए शेड्यूल तैयार किया है, इस शेड्यूल के अनुसार किसानों को उनके फोन पर मंडी में फसल लाने के लिए समय निर्धारित किया जाता है। उन्होंने कहा कि बुधवार को उनके द्वारा मंडियों का दौरा किया गया, जिसमें पाया कि किसान बिना किसी शेड्यूल के अपनी फसल मंडी में ला रहे हैं, जबकि नियम अनुसार बिना शेड्यूल के फसल नहीं खरीदी जा रही है, जिससे मंडियों में भीड़ बढ़ रही है। किसानों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समय पर ही मंडी में अपनी फसल लाए, ताकि उनकी फसल समय पर बिक सके और मंडी में भीड़ ना हो। उन्होंने कहा कि किसान जब भी अपनी फसल बेचे, वह MSP का ध्यान रखे, MSP से कम रेट पर अपनी फसल ना बेचे। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात तक 12.5 लाख क्विंटल धान की खरीद एजेंसियों द्वारा की गई है, जिसका उठान भी समय पर किया जा रहा है। आप सबको नमस्कार। आज 7 अक्टूबर की एक दो इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। एक तो जो काछवा पुल है करनाल में, इसके रिपेयर का कार्य PWD विभाग के द्वारा किया जाना था, और वो कार्य हमने कल से शुरू करवाया था, और इसकी वजह से काछवा पुल पर आवाजाही बंद कर दी गई थी। लेकिन अब हमारे पास कुछ किसान भाइयों की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि चूंकि पैडी का सीजन है और उनको अपना जो धान है, पैडी है, जीरी है, वो मंडियों में लेकर के आनी होती है, और उस पुल की आवाजाही बंद होने की वजह से उनको काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और उनको एक लंबा चक्कर लगा करके मंडी तक पहुँचना पड़ रहा है। तो इसलिए हमने अभी के लिए वो जो रिपेयर का कार्य है उसको रुकवा दिया है। अब हम लगभग 15 से 20 दिन बाद, या और उससे ज़्यादा समय, अगर एक महीना लगा तो एक महीने बाद भी, जब ये जीरी का सीज़न ख़त्म होगा उसके बाद उस पुल का रिपेयर करेंगे। तब तक के लिए हमने उस पुल को बहाल करके और उस पर आवाजाही आज फिर से बहाल कर दी है। मुझे विश्वास है कि ये सूचना जो है वो जल्द से जल्द जो वहाँ के उस पुल को जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन लोगों तक पहुँचेगी और उनको आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। साथियों, जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि पैडी प्रोक्योरमेंट का सीजन चल रहा है और करनाल जिले में टोटल 13 जगह पे अभी धान किसानों से खरीदा जा रहा है, और सरकारी जो एजेंसीज हैं वो हमारी पूरे 24 आवर्स इस खरीद में लगी भी हुई हैं, और अब व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठीक बना दी गई हैं। प्रशासन के पास समुचित संख्या में जो है ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स और स्टाफ अवेलेबल है उसको खरीद करने के लिए और उसको फिर आगे मिल्स तक पहुँचाने के लिए। करनाल जिले में कल शाम तक की अगर मैं बात करूं तो लगभग 12.5 लाख क्विंटल धान जो है वो सरकार के द्वारा खरीदा जा चुका है। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील रहेगी कि जब वो मंडी में अपना पैडी बेच करके जाएं तो MSP जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उससे कम में ना बेचें, क्योंकि सरकार जो है वो उस आपके धान के लिए MSP पे करती है। तो आप MSP पे ही अपने धान को बेचें, उससे कम में ना बेचें, पहली मेरी रिक्वेस्ट तो ये है। और दूसरी उनसे मेरा अनुरोध ये है कि सरकार ने जो है इस बारी शेड्यूलिंग की है फार्मर्स की, और हर एक किसान को मोबाइल पे मैसेज आता है कि उनको अपनी जो जीरी है, उनकी जो पैडी है, वो कौन से मंडी में कौन से तारीख को कितने बजे लेके आनी होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी जो पैडी है वो उस शेड्यूलिंग के आधार पे उसी स्लॉट में लेकर के आएँ, ताकि हमें मंडियों में आपकी जीरी खरीदने में और अच्छे तरीके से और सुविधाजनक तरीके से खरीदी जा सके। अभी आज मैंने कुछ मंडियों का दौरा किया था और उसमें पाया कि कुछ किसान भाई बिना शेड्यूल्ड, अनशेड्यूल्ड, जिनकी शेड्यूलिंग एक या दो दिन बाद की है, वो भी अभी पैडी लेकर के आ रहे हैं, तो उससे
थोड़ी सी असुविधा जो है मंडी में उत्पन्न होती है, तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि शेड्यूलिंग के आधार पे ही आप अपनी जीरी मंडी में लेकर के आए। धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।